बचपन से बच्चों को भगवान की शरणागति जो लोग रखते हैं उनके बच्चे आगे चल के राजगद्दी पर बास करते हैं, राजा बनते हैं, महाराजा बनते हैं, दिव्या दिव्य बनते हैं। और जो अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार न देते हुए ज़्यादा पढ़ाने लिखाने में रुचि रखते हैं वो अपने बच्चों को केवल और केवल शिक्षार्थी बना सकते हैं, वो कभी विद्यार्थी बना सकते हैं। लोग पढ़ाने में जान लुटा देते बच्चों के, अनदेखा भी करते। हमारा बेटा किसी की बेटी को रोज मोटरसाइकिल पे लेके जाता है कॉलेज और रोज छोड़ता है, ये क्यों कर रहा है? माता पिता को कोई लेना देना नहीं है। हमारी बेटी रोज किसी दूसरे की स्कूटी पे बैठ के जाती है, कोई लेना देना नहीं है। फीस भर रहे हैं, गाड़ी भर रहे हैं, एटीएम दे रहे हैं, सब सुविधा दे रहे हैं, पर ये कोई नहीं कह रहा है कि बेटी हमारे संग चलो, बेटे हमारे संग चलो, पूजा देखने उज्जैन में पूजा हो रही है महाकाल की, पूजा देखाओ, हो सकता है तुम में भी कुछ कीड़े जागृत हो जाएं, कुछ कीड़े पैदा हो जाएं, कुछ मर जाएं, नई दुनिया पैदा हो जाए तुम्हें। आदमी अंधा होके पढ़ा रहा है बच्चों, और आपको पता होना चाहिए ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है। मैकाले ने पानी नहीं पिया था, भारत को जब तक बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक, ये मैकाले ने संकल्प लिया था। और हम सब मैकाले की शिक्षा पद्धति को पढ़ के गौरवान्वित होते हैं, महाराज सब कुछ खत्म हो चुका है, बस यही प्रॉब्लम है कि मैं बोल देता हूँ और बाकी लोग बोलना चाहते नहीं है, बस ये फर्क है। मैं समाज को, देश को, हिंदुस्तान को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। कणाद, गौतम, वशिष्ठ, महर्षि पतंजलि, महर्षि वैशिष्ठ, जयमुनि, कपिल, इनकी शिक्षा पद्धति से बड़ा इस सृष्टि में कोई फिलॉसफी नहीं है। मैकाले भारत में आया था लगभग 2200 साल पहले, वो भारत पर साम्राज्य करना चाहता था, उसका सपना पूरा नहीं हुआ। उसने क्या देखा? उसने देखा कि भारत में पुरुष बिना स्त्री के रह लेता है 100 साल, स्त्री बिना पुरुष के 100 साल रह लेती है, कुमारी अविवाहित होकर के, और बच्चे भारत में जंगल में जाकर के लंगोट में रहकर नंगे पड़ते हैं, उस देश पर किसी का साम्राज्य हो सकता नहीं है। और उस समय पूरी दुनिया में भारत से अनाज, मसाले, घी, दूध केवल भारत में ही था, यहीं से जाता था। तो मैकाले चाहता था कि इस देश पर शासन हो हमारा, हम मालिक बने। पर वो लौट के गया और संकल्प लेके गया, अंदरूनी ये ज्ञान लेके गया कि इस देश को खोखला करना है तो यहाँ की चरित्र को नष्ट करो और विद्या पद्धति को नष्ट कर दो। जहाँ का चरित्र और शिक्षा बिगड़ जाती है उस देश का कहीं भी कोई भी एड्रेस जिंदा रहता नहीं। नहीं, 70 सालों में यही हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मोदी जी का भाग्य से देश को सौभाग्य मिला है कि ऐसे नेता मिले हैं। इसलिए बंधुओं अभी पाठशालाएं चालू हो रही हैं, गुरुकुल चालू हो रहे हैं। हजारों वर्षों से जो गुरुकुल खंडर हो गए थे, ऐसे लगभग 3000 गुरुकुलों को ढूंढ कर निकाल लिया। अब उन्हें तैयारी चल रही है चालू करने की, उन्हें निर्माण करने की। और आप जानते ही हैं मेरी योजनाएं तो वही हैं, मेरी तो संकल्प ही वही है, पर सामर्थ्य में मैं कम पड़ता हूँ इसलिए मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। तो हम विशालतम गुरुकुल और इनकी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है पैसे का, तो फिर हम कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, उनको देते रहते हैं, और छोटा मोटा विद्यालय, गुरुकुल, ये सब चलाते रहते हैं। क्योंकि जिन समाजों को दबाया गया है, कुचला गया है, उनको ऊपर लाना पड़ेगा। बराबर में जब खड़े हो जाएंगे तब हिंदुस्तान की ओर कोई आँख उठा के देखने वाला। आपस में ही हम लोग आपस में मरते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ऊँचा नीचा करते रहेंगे तो कठिन हो जाए। इसलिए 3 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है और तो भी वो कुछ बन नहीं पा रहा है, ऐसे भाई गुंडागर्दी के हैं, कल्पना करो। आपके घर में भी बच्चे हैं, आप सब जानते हैं, सबको पता है कि आप अंदर से परेशान हैं। बच्चे अपना वर्चस्व लेके जीते हैं, और जिस घर में जवान बच्चे ने अपने वर्चस्व की बात कही वो घर कभी टिकने वाला नहीं है। जिस घर में औलाद बड़ी होके भी माता पिता के वर्चस्व को ही बाहर गाती है, बजाती है, वो आगे बढ़ेंगे। और जो अपने वर्चस्व के नीचे माता पिता को दबाते हैं वो घटते जाएंगे, घटते जाएंगे।
उनकी परंपरा नष्ट हो जाएगी,